أستغفر الله. Forgive me, Allah. जब बंदे से गुनाह सरजद हो जाता है और वो माफी मांग लेता है तो अल्लाह को वो बंदा बड़ा ही अच्छा लगता है। इंसान के अंदर चूंकि ये दोनों चीजें रखी गई हैं तो कभी कभी उससे गुनाह भी सरजद हो जाएगा। नेकी उसकी अकल, उसका फहम, उसका इदराक, शरीयत की रहनुमाई, अंबिया की तालीमात उसे बताएंगी कि वो नेकी के राह पे चले, लेकिन कभी कभी बाई समझ से जो ख्वाहिशात और आरज़ू है वो भी उसको घेर लेंगे और अचानक उससे कभी कोई गुनाह भी हो जाएगा। और अगर अचानक उससे कभी गुनाह हो गया, कभी आंख भटक गई, कभी ख्याल बहक गए, कभी सोच में आवारगी आ गई, कभी जुबान ने मैला लफ्ज बोल दिया, तो फिर क्या है कि फिर फौरी माफी मांग ले। मोमिन जब गुनाह करता है तो ऐसी कैफियत होती है जैसे अभी ओहद पहाड़ तले आ गया है, अगर उसने तौबा ना की तो कुचल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, तो फिर फौरी माफी मांगता है तो ये अल्लाह को बड़ा ही अच्छा लगता है। अल्लाह कहता है फरिश्तों से कि देखो मेरा बंदा आखिर मेरी दहलीज पे आया था, तुम गवाह हो जो मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। तो गुनाह के बाद जो शर्मिंदगी है, देखिए एक और जुमला कहता हूं, नेकी करने के बाद जो तकब्बुर पैदा होता है, तो मैं बड़ी नेकी कर ली है और बाकियों को बंदा हकीर समझने लगता है और उससे कोई गलती सरजद हो जाए उसके बाद शर्मिंदगी होती है और अपने आप को छोटा समझने लगता है और अल्लाह से माफी मांगता है, तो उस नेकी करने के बाद वो जो आपके अंदर तकब्बुर और रऊनत और उजब पैदा हुआ उससे कहीं बेहतर है कि आपसे अगर कोई खता सरजद हुई थी तो उससे आपके अंदर इज्जत और तौबा का जज्बा पैदा हुआ। और अल्लाह को ये बड़ा पसंद है कि कोई बंदा, चूंकि मुमकिन ही नहीं है कि जब इंसान है उसके अंदर ये ख्वाहिशात रखी हैं तो कभी उससे, ये अंबिया की ज़वात हैं जो पाक हैं, बाकी कभी 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 कुछ खता सरजद हो जाएगी, उससे माजरत कर ले। तो आपने नाम सुना होगा अय्यास का, महमूद गजनवी का बड़ा महबूब वजीर था और बहुत ज्यादा बादशाह इससे मोहब्बत करता था, तो आयान सल्तनत जलते थे, तो बादशाह गाहे गाहे कोई ऐसा मंजर उनको दिखलाता कि इससे मैं खास प्यार क्यों करता हूं। एक दिन बादशाह के हाथ में मोतियों की भरी डबिया थी और महल के अंदर ये एक हौज था, तालाब था, तो उसके अंदर उसने वो सारे मोती फेंक दिए। शफाफ पानी और नीचे फर्श पे पड़े हुए मोती नजर आ रहे हैं, तो उसने एक एक वजीर को कहा कि ये मोती निकाल के लाओ और सुनो, अपना लिबास और अपना बदन नहीं भीगने देना। तो सब ने कहा ये कैसे होगा कि मोती भी तह से निकाल के लाएं और बदन भी और कपड़े भी ना भीगें। तो दूसरे को कहा, उसने भी कहा ये कैसे होगा, ये शर्त हटाएं तो फिर मैं निकाल के लाऊं। जब बात आई अय्याज की तो अय्याज ने फौरन छलांग लगा दी, मोती पकड़े, ढूंढे, हथेली में लिए और कांपते हुए बदन के साथ बादशाह के सामने पेश हुआ, हुजूर ये ले लीजिए। बादशाह गुस्से में था, तो मैंने कहा था लिबास और कपड़े भीगने नहीं चाहिए, तेरे बदन से पानी नुचड़ रहा है, तेरे लिबास से पानी नुचड़ रहा है, ये क्या? तो अय्याज ने हाथ बांध के कहा, बादशाह सलामत, आपके दो हुक्म थे, एक हुक्म यह था कि मोती निकाल के लाने, दूसरा हुक्म यह था कि कपड़े और बदन भीगना नहीं चाहिए, एक काम मैंने कर दिया है, दूसरी गलती हो गई है, माफी चाहता हूं। तो कहा वजीरो, ये है खूबी इसकी, तुमने कहा हम कैसे निकाल के लाएं, इस तालाब में उतरेंगे तो बदन तो भीगेगा ही भीगेगा, तो कहा जब शहवात दी गई हैं, ख्वाहिशात रखी गई हैं, आरज़ूएं दीवानी हैं और फिर इस कायनात के अंदर रह करके हजरत इंसान कभी तो इस तैलाब की गलाजत से अपने आप को भर ही देगा, तो फिर कमाल क्या है कि नेकी के फूल पेश कर दे, सजदे के मोती पेश कर दे, रुकू और कयाम के मोती पेश कर दे, हमदर्दी इंसानियत के साथ प्यार के मोती पेश कर दे, सारे मोती पेश करे, फिर मालिक का जलाल कि तेरे कपड़े क्यों भीगे, ये गुनाह क्यों किया, ये गुनाह क्यों किया, हाथ जोड़ के कहे मालिक इसकी माफी मांग। तो अल्लाह ताला पिछले गुनाह ना सिर्फ माफ करता है बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर